rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting. गाइस आप लोगों को भी लगता होगा ना कि यार ये क्या मेजर करके खा रहे हो, रोज़ ओट्स कितना खाएं, पीनट बटर कितना खाएं, दाल कितनी खाएं, रोटी कितनी खाएं। सच बताओ ये ज़रूरी नहीं है। मतलब एक आम जिम गोअर के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा फूड मेजर करके खाए बिल्कुल ग्राम टू ग्राम। मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक स्पेसिफिक गोल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ जहाँ पे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मेरे पास है, यानी कि इतनी ही कैलोरीज मुझे खानी है, इतना ही ग्राम्स मुझे कार्बोहाइड्रेट्स, इतना ही ग्राम्स मुझे प्रोटीन खाना है। तो इस वजह से मैं अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से मैं मेजर कर रहा हूँ फूड को। एक आम इंसान को जो नेचुरली फिट रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, थोड़े बहुत बॉडी फैट परसेंटेज ऊपर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कभी भी ये मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पोर्शन साइजेस पे ध्यान दीजिए। मतलब आप एक अंदाज़ा रखिए कि आप एक कप या फिर एक प्लेट, इस तरीके के पोर्शन साइजेस पे ध्यान रखिए, ना कि ग्राम टू ग्राम मेजरमेंट्स पे। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। और इससे, जैसे मैंने हमेशा से बोला है कि जब आप कोई चीज़ डिटेलिंग में करते हैं, कोई चीज़ स्पेसिफिक होके करते हैं, तो उससे आपको रिजल्ट्स भी बहुत ही स्पेसिफिक और डिटेल मिलते हैं, राइट। तो इसीलिए मेजरमेंट करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है मेरे जैसे इंसान के लिए, यू नो, जिसका काम ही फिट रहना है या दिखना है। बाय द वे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। आपको मैं अपनी कंडीशन बता दूँ, पहले 2-3 दिन पहले मैं काफ़ी बीमार हो गया था। अब काफ़ी बीमार का मतलब ये है कि थोड़ा सा ओवर एग्जॉशन हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल, काम, ट्रेनिंग, सब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि भूल जाते हो कि यार भाई रिलैक्स भी कर रहा होता है। थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा नहीं, एक दिन तो खूब ज़्यादा फीवर आया, और अभी आप देख रहे हैं थोड़ी आवाज़ भी भारी सी है, नाक थोड़ी सी हैवी है। इसीलिए मैंने अपने विटामिंस और यू नो बहुत सारी चीज़ें ऊपर करी हुई है, काफ़ी सारी इस तरह के फूड्स में ले रहा हूँ। एंड प्लस आपने ये टेबल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा, मेरे पास डेली ग्रीन बेरीज भी है, इट्स हाई ऑन नेचुरल विटामिंस। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में इसके बारे में। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, और इसके अंदर जानते ही मैंने अपनी बेरीज भी डाली हुई है, हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं आपको बताना भूल गया कि बेरीज लेने का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इसको इन्हेंस करने के लिए इसका टेस्ट, बल्कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो आपको बीमार करते हैं, जो मुझे बीमार कर रहे थे, उनको भी ये न्यूट्रलाइज ख़त्म करने में हेल्प करते हैं बॉडी से, और आपको हेल्दी रखते हैं, राइट। आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, प्लस हाई ऑन विटामिन सी एज वेल। डेली सुपर ग्रीन्स और बेरीज़ का एक कैप्सूल ले रहा हूँ, और ये हेल्थ विट का है। विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, ये नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। बेसिकली इसका जो इंग्रेडिएंट सोर्स है, यानी कि जहाँ से ये विटामिन्स निकले हैं, बहुत ही नेचुरल सोर्स है, जैसे कि मिल्क, विटामिन B12 का मिल्क से, और फोलिक एसिड, कप ऑफ ब्रोकली। तो इस तरीके की चीज़ों से ये एक्सट्रैक्ट की गई है। मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके साथ आप इसको ले सकते हैं, और इसमें इट्स हाई ऑन विटामिन्स एंड मिनरल्स। और अगर मैं इसके क्विक इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें सिट्रिक एसिड, यू नो सुपर ग्रीन ब्लेंड 600 mg, जिसके अंदर स्प्रिनुला है, जिसके अंदर वीट ग्रास है, स्पिनिच है, यू नो ऑल दीज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में तो हेल्प करेगा ही। और जैसे कि मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे भी हुई थी, तो मैंने इसको पर्पजली भी स्टार्ट किया है, यू नो इट्स वर्किंग वेल, प्लस टेस्ट भी अच्छा करता है। वेरी नाइस। इसके अंदर आपको 10 टैबलेट्स मिलती है नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हर्ब्स के साथ, और बेसिकली इसकी एक सर्विंग में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है मिक्सचर, उसका सारा जो यू नो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। और अगर आपको ये लेना है तो मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, चेकआउट कर सकते हो आप। बट अभी चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं थोड़ा सा। गाइस पिछले 3-4 दिनों से मैं बहुत लेज़ी हो गया हूँ, अनु की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से थोड़ा सा लेजीनेस ने क्या कि एक बार जब आप थोड़ा सा काम करना छोड़ देते हो या कम कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप फिर वापस से ट्रैक में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आई डोंट नो कि आपके साथ क्या होता है। एक बार हाय बोल दो सबको, एक बार हाय बोल लो। ओ देखो कितने ज़ोर से काट रहा है भाई, ये मेरी उंगली है, मतलब तेरे लिए वो शिकार थोड़ी है तेरा। ओ बाप रे, देखो जानवर को। गाइस आपको पता है, हाँ ठीक है, देखो यार नीचे इसको कुछ खाना भी खिलाता हूँ, अभी खिलाता हूँ, अभी खिलाता हूँ, अभी खिलाता हूँ।
गाइज मैं यहाँ पे नारियल पानी पीने आया हुआ था और मुझे देखिए कितने सारे लोगों ने मुझे घेर लिया है। 1 2 3 अभी लेके आता हूँ, बिस्किट लेके आता हूँ, बिस्किट लेके आता हूँ, ठीक है। नारियल पानी इसीलिए पी रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, और जब थोड़ी तबीयत ख़राब हो तो पानी बहुत पीना चाहिए, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, प्लस इट्स हाई ऑन जिंक, मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं सोच रहा हूँ इनके लिए मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ, तो मैं इन लोगों के लिए बिस्किट खरीद के लेके आया। यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला कोई है नहीं, बाकी लोग कहाँ है। देखो कितने प्यार से खा रहा है, ये वाला नहीं खा रहा लेकिन अभी खाया। ओके तो ऑल सेट फॉर वर्कआउट, इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहा हूँ आज, इवन दो मैंने सैटरडे को भी ट्रेन किया था बीमार पड़ने के बाद। तबाही मचा देंगे, गदर मचा देंगे, वाली फीलिंग नहीं आ रही है। स्टार्ट करेंगे हम चेस्ट का वर्कआउट, पहला दिन है वर्कआउट का, एज इन चेस्ट वर्कआउट। मंडे को मैं पहली बार जो चेस्ट हिट करता हूँ तो उस दिन आई गो रियली हैवी एंड रियली हार्ड। सेट नंबर टू गोइंग फॉर अगेन 6 रेपिटेशंस सेम स्ट्रेंथ। Repetition forced. Okay, last set. So technically, एक repetition कम हुआ है मेरा strength wise. इसके दो reasons हो सकते हैं, एक तो calorie deficit, दूसरा कि थोड़ा सा बीमार होना। यहाँ पे 3 वर्किंग सेट कंप्लीट हो गए हैं, इसके साथ मैंने एक ड्रॉप सेट भी दिया बिकॉज आइडिया ये है कि थोड़ा सा कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए वर्कआउट में, और ड्रॉप सेट एक बहुत अच्छा तरीका है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे इंक्लाइंड डंबल प्रेस। थ्री सेट्स ऑफ इंक्लाइंड बेंच प्रेस जिसमें मैं वेट करीबन 35 केजी से 40 के बीच में ले रहा हूँ। रेपिटेशन रेंज 7 to 8, और कोशिश यही है कि कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जाया जाए, पूरा मसल को फटीग करना है जितना हो सके। एक थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं अभी, वो है बेसिकली जो ये क्लेविकुलर हेड होता है आपका पेक्टोरलिस मेजर का, यानी कि जो अपर चेस्ट जिसे आप कहते हो, इसको मैं टारगेट करूँगा एक डिफरेंट एंगल में। और जो मूवमेंट है वो फ्लाई है, लेकिन फ्लाई किस तरीके से, क्रूसिफिक फ्लाई,
मेरा जो हाथ का एंगल है देखिए किस तरीके से जाएगा, ऐसे न्यूट्रल यू हॉरिजॉन्टल। ओके गाइस, तो फ्लाइज फॉर अपर पैक्स इज डन। वर्कआउट खत्म होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? प्रोटीन शेक लेना। ओके गाइस, तो मैं लास्ट वीडियो में जो मैंने बाइसेप का वीडियो डाला था, हु हैज़ द बेस्ट बाइसेप इन द वर्ल्ड, उसके कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा हूँ कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वो मैं उनमें से एक भी पढ़ के आपको उसका आंसर बताता हूँ। जो जो कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको हार्ट लाइक वगैरह देते रहता हूँ। सुबोध डी कामले का क्वेश्चन है कि वाई डू बॉडी बिल्डर्स डोंट हैव स्ट्रेच मार्क्स ऑन देयर बॉडी। सुबोध, यूजुअली बॉडी बिल्डर्स डू हैव स्ट्रेच मार्क्स, अभी वो आपको दूर से नहीं दिखाई देता है, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल आर्म पेट के पास देखें तो काफ़ी सारे लोगों को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, और विच इज़ क्वाइट कॉमन। जब आपकी बॉडी का मसल साइज़ बढ़ता है अचानक से, या अचानक से आप एकदम यू नो वेट गेन करते हैं, तो आप वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं और होते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के साथ और इंटरेक्शन करूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं व्लॉग बनाता हूं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट्स को गो थ्रू करूंगा और उससे क्वेश्चंस को ज़रूर पिक करूंगा। एंड गाइज, थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।